फासला और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देवभूमि नर्सरी प्रदेश के बागवानों को इस वर्ष सरकारी दाम पर सेब के पौधे उपलब्ध करवाएगी। प्रदेश में आए प्राकृतिक आपदा और भारी बरसात से किसानों और बागवानों के हुए नुकसान की पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन आपदा की इस घड़ी में जायज दामों में सेब के उन्नत पौधे उपलब्ध करवाकर देवभूमि नर्सरी किसानों और बागवानों को कुछ राहत पहुंचाने का प्रयास करेगी। ये जानकारी ठियोग बासाधार की देवभूमि नर्सरी के संस्थापक अशोक भंडारी ने राजगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के बाद सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र और संस्थाएं भी नुकसान की भरपाई करने का प्रयास कर रही हैं, और इसी कड़ी में देवभूमि नर्सरी ने सेब के बागवानों को हुए आर्थिक नुकसान से राहत पहुंचाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वह पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उनकी नर्सरी सरकार से मान्यता प्राप्त है, जिसके पास सीडलिंग और रूट स्टॉक दोनों पर सेब की सभी आधुनिक किस्मों के पौधे उपलब्ध हैं। संस्था की ओर से प्रदेश के शिमला, सिरमौर, कुल्लू और चंबा समेत किसी भी क्षेत्र के बागवान को सरकारी रेट पर पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। अशोक भंडारी ने कहा कि किसान बागवानी तो करना चाहते हैं, लेकिन सस्ते दामों पर और उचित मात्रा में पौधे ना मिलने के कारण कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस समय बागवानों को पौधे की जरूरत होती है उस समय सरकारी विभाग औपचारिकता के लिए 5 से 10 पौधे तो दे देते हैं, लेकिन मांग के मुताबिक पौधे उपलब्ध नहीं करवा पाते। उन्होंने कहा कि बागवान सभी किस्में लगाना चाहते हैं और ऊंचाई के मापदंड को दरकिनार कर देते हैं, इससे हमें उन्नत किस्म की फसल नहीं मिल पाती है। उन्होंने मौसम और ऊंचाई के हिसाब से सेब की किस्में लगाने का आह्वान किया। राजगढ़ से हमारे संवाददाता जीडी शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अशोक भंडारी, देवभूमि नर्सरी ठियोग बासाधार। आज हम राजगढ़ क्षेत्र में हैं और यहाँ आने का हमारा जो मुख्य विषय है वो है हिमाचल प्रदेश में इस साल जो प्राकृतिक आपदाई है उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार, गैर सरकारी संस्थाएं, एनजीओ जो नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही है, उसी में देवभूमि नर्सरी बासाधार ने एक निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश के सेब के बागवानों को जो इस बार नुकसान हुआ है सेब में, आर्थिकी उनकी बहुत ज़्यादा इस समय ध्वस्त हुई है, सेब भी कम लगा है और बगीचे बह गए हैं, उन लोगों के लिए हमारी नर्सरी ने एक निर्णय लिया है कि इस बार पहली बार पिछले 10 सालों में हमने हमारे को काम करते हो गया है, लेकिन पहली बार हमने निर्णय लिया है कि भी हिमाचल प्रदेश में जितने भी बागवानी से जुड़े हुए हमारे किसान हैं उनको हमारी नर्सरी सरकारी रेट पर, हमारे पास सारी लगभग आधुनिक जितनी भी सेब की वैरायटियां हैं वो हमारे पास सीडलिंग और रूट स्टॉक पर उपलब्ध है। इस बार हमने यही निर्णय लिया है कि हम इस बार हमारे वो बागवान, चाहे शिमला जिला का रहने वाला हो, कुल्लू का हो, सिरमौर का हो, किन्नौर का हो, चंबा का हो, वो कहीं का भी बागवान रहने वाला है, हम उनको सरकारी रेट पर पौध उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हमारा जो किसान है वो इस समय बागवानी क्षेत्र तो अपनाना चाहता है, किसानी तो करना चाहता है, लेकिन उसको जो पौध है वो उपलब्ध नहीं हो पाती, और जो उसको पौध उपलब्ध होती है वो हमारे जो सरकारी विभाग है उसमें कम मात्रा में उपलब्ध होती है। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि जितना भी हमारा किसान भाई है वो हमारे से जिस भी तरीके से पौध लेना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पे, हम अपने नंबर मीडिया के माध्यम से शेयर करेंगे, उसमें आप लोग बुकिंग करवाएं, हमारे से संपर्क करें, और एलिवेशन के अकॉर्डिंग जो जहाँ की हाइट है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बागवानी क्षेत्र में क्या आ रही है कि सब बागवान चाहते हैं कि हमारे को नए से नई वैरायटी लगानी है। ठीक है, हमें नई वैरायटी लगानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें यूरोप के देशों को कंपटीशन भी देना है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर हम एलिवेशन के अनुसार अपनी फसल का चयन नहीं करेंगे
तो उसमें बहुत बड़ी समस्या आने वाली है साइज को लेकर के, रस्टिंग को लेकर के और उसकी फ्रूट की क्वालिटी को लेकर के। तो बागवान साथियों, आप सभी लोग से मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि या तो हम लोगों से संपर्क करें या फिर अपने आसपास जो अभी आपका सरकारी विभाग है उन लोगों से अपने एलिवेशन के अकॉर्डिंग आप लोग उनसे संपर्क करें कि इस हाइट पर कौन सी वैरायटी लगनी है, और उसके बाद आप हमारे से संपर्क करें, अपना नंबर हम आपको देंगे। और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार इस बार जो भी रेट खुलेगी उस ही रेट में हम अनलिमिटेड प्लांट्स हमारे बागवान भाइयों को देगी। मेरा फोन नंबर है 9418139033 और 8211 3991। हमारे पास लगभग जितनी है आधुनिक वैरायटी वो लगभग हमारे पास सारी उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी क्वेरी करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें, और अगर कुछ विषय छूट गया तो आप पत्रकार बंधु हैं, आप कुछ विषय भी पूछ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।